हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन पर विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओली एवरी वाइट विल विल्सन, पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए वॉर वर्ब्लैक् और इसे एडिट किए माइकल कॉनरॉय रॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रो कॉरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितंबर ट्वेंटी नाइनटीन और इसका रिलीज डेट रहा है, है

एजबिकी डेमोथरी एज गेल डेमोथ विल बोज एसटोबिन विल्सन रचल नतालिया हम्बोल्ड पैट्रिक विल्सन एज रोज हम्बोल्ड तो चलिए फे इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई कैल केल डेमु सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज़ सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बेकी का सामना टोबिन के पिता रॉश से होता है जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उस पर नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वह ऐसा करती है कि गिल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार होकर खाता है टॉबिन की का दावा है कि घास मृत चीज़ों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविश भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टोबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणामस्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हजार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन दिए विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीफ होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओलिवेरिया एवरी वाइट विल विल्सन पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ग्रेग वर्ब्लैक्सी और इसे एडिट किया माइकल कॉन रॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रो कॉरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हर्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितंबर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट है

एजकी डेमोथ विल बोज एसटोबिन हमबोल्ड विल्सन एज नम्बोल्ड पैट्रिक विल्सन एज रोज हम्बोल्ड तो चलिए चलीफे इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई कैल केल डेमु सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ उसकी नताली भी लंबी घास में है। चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता से होता है जो उसके उसके, उसके गरीब, गरीब रहने और उसे नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वह ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बैगी जल्द ही मर जाएगी जब टॉबिन केल की म, को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बैगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बेकी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीजों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेगी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेगी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेगी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे से और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना न, 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 नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कनेडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा ओलिवेरिया, एवरी विल रचल वाइटेड पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दें ग्रेग ग्रेक और इसे डिट किए माइकल कॉनरॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क्रो कॉरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिले डेट है सितम्बर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट रहा है, है

एज की डेमोथ ऑवरी वाइटेड एड एज गेल डेमोथ विल बोजर एज टॉबिन हमबोल्डट रचल विल्सन एज नतालिया हमबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हमबोल्डट तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमुथ सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता से होता है, जो उसके उसके उससे करीब रहने और उससे नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गायब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी हके ग्रवाशे में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नट नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न जाने की चेतावनी देती है और रोस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉलर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओलिवेरिया, एवरी वाइटेड विल बुजार रचल पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है वॉर ब्लैक और इसे एडिट किए माइकल कॉन रॉय और इसे म्यूजिक मार्क क्रो कॉरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितंबर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट रहा है सितम्बर ट्वेंटी फेंटस्टिक फेस्ट अक्टूबर फोर टू थाउजेंड नाइन नेटफ्लिक्स और इसका रेट टाइम नाइनटी मिनट और वन हंड्रेड एक्सटेंडर्ड वर्जन और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो चलिए में इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हैरिसन गिली एस्ट्रेविस एमसी कैन लीज लिशला डे ऑलीवेरा एज बीकी डेमोथ ऑवरी वाइटेड एड एज गेल डेमोथ विल बोजर एज टॉबिन हमबोल्डट रचल विल्सन एज नतालिया हमबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हमबोल्डट तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमुथ सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता रष से होता है जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उसे इनवरज नजर ना हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बैगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब है यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता-पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी ट्रेविस खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेगी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह को कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहें ऐसे प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रोस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस पोज स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग हैरिसन है है गिलबर्टसन लीशा डे ओली एवरी वाइटेड विल रचल बुजार पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी ग्रेग ग्रेक व्लैक् और इसे एडिट किए माइकल कॉनरॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रोकोरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी फैंटेटिक फेस्ट और अक्टूबर 4, 2019 नाइनटीन नेटफ्लिक्स और इसका टाइम नाइनटी मिनट और वन हंड्रेड एक्सटैंड वर्जन और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो चलिए में इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हैरिसन गिली एस्ट्रेविस एमसी कैन लीशला डे ऑलीवेरा एज बीकी डेमोथ ऑवरी वाइटेड एज एज गेल डेमोथ विल बोजर एज टॉबिन हमबोल्डट रचल विल्सन एज नतालिया हमबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हमबोल्डट तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमुथ सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज़ सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बेकी का सामना टोबिन के पिता रॉश से होता है जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उसे एनवरज नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वह ऐसा करती है कि किल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेगी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने का लिखा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणामस्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी ट्रेविश खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह को कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती ना करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रॉस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कनेडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन पर विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओली एवरी वाइटेड विल और रचल विल्सन पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ग्रेग वरब्लैक् और इसे एडिट किए माइकल कॉनरॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रोकोरवन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट है, है September 22, 2019 सितम्बर ट्वेंटी अक्टूबर नेटफ्लिक्स और इसका और, इस और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो जरिए इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हेरिसन गिली बन एस्ट्रमसी लीशला डे ऑलिरा एजबीकी डेमोथ ऑवरी वाइटेड एज एज गेल डिमोथ विल टॉबिन एस्टॉबिनबोल्ड रचेल विल्सन एज पैट्रिक विल्सन एज रोज हम्बोल्ड तो चलिए फे इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई कैल केल डेमु सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता रोष से होता है जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उस निर्ज नजर ना हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार खोकर खाता है टॉबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की म, को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविश भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब है यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी ट्रेविश खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती ना करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के ग्रवाश में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना न, 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 नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाँ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हजार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओली एवरी वाइट विल बुजार रचल पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ग्रेग व्लैक्सी और इसे एडिट किए माइकल कॉन रॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रो कॉरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितंबर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट रहा है, है

एजबिकी डेमोथरी एज गेल डीमोथ विल बोज एसटोबिन विल्सन रचल नतालिया हम्बोल्ड पैट्रिक विल्सन एज रोज हम्बोल्ड तो चलिए फे इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई कैल केल डेमु सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ उसकी नताली भी लंबी घास में है। चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बेकी का सामना टोबिन के पिता होता है जो उसके उससे उसके, उसके गरीब, गरीब रहने और उसे नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया बताया कि कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी। जब टॉबिन को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बैगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बेकी की लाश के, के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीजों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टोबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणामस्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी ट्रेविश खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल करके आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हजार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन दिए विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओलिवेरिया, एवरी विल विल्सन, पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ग्रेग व्लैक्सी और इसे एडिट किया माइकल कॉन और इसे म्यूजिक दिए क्रो मार्कवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितंबर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी फैंटेस्टिक फेस्ट और अक्टूबर 4, 2019 टाइन नेटफ्लिक्स और इसका रेन टाइम नाइनटीन मिनट और वन हंड्रेडर्ड वर्जन और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो चलिए इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हैरिसन गिली बर्टसन एस्ट्रविस एम सी कैना डे ऑलीवेरा एज बीकी डेमूत ओएवरी वाइटेड एज गेल डेमूत विल बॉयज यर टॉबिन स्टॉबिन हंबोल्डट राचेल विल्सन एज नतालिया हंबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हंबोल्डट तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमूत सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ उसकी नताली भी लंबी घास में है। चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता रोश से होता है, जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उसे नज़र नज़र ना हटाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीज़ों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बैगी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गायब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणामस्वरूप स्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे से और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना न, 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 नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कनेडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा ओलिवेरिया, एवरी विल बोज़ और रचल विल्सन, पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ग्रेग व्लैक्सी और इसे एडिट किए माइकल कॉनरॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क्रोकोरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट रहा है, है

एजबी की डेमूत ओएवरी वाइटेड एज गेल डेमूत विल बॉयज यर ए स्टॉबिन हंबोल्डट राचेल विल्सन एज नतालिया हंबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हंबोल्डट तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्वति बेकी और उसका भाई केलु केल डेमूत सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज़ सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता रोश से होता है जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उस निर्वरज नजर ना हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है, है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं। यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने का लिखा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणामस्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी हके ग्रवाशे में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नट नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न जाने की चेतावनी देती है और रोस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉलर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओलिवेरिया, एवरी वाइटेड विल बुजार रचल विल्सन, पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है ग्रेक व्लैक् और इसे एडिट किए माइकल कॉन और इसे म्यूजिक दिए मार्क्रो कॉरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट रहा है, है सितम्बर ट्वेंटी फैंटेस्टिक फेस्ट और अक्टूबर फोर टू थाउंडीन नेटफ्लिक्स और इसका रेन टाइम नाइनटी मिनट और वन हंड्रेड एक्सटेंडेड वर्जन और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो चलिए मैं इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हैरिसन गिली एस्ट्रेविस एमसी एम सी कैना डे ऑलीवेरा एज बीकी डेमोथ ऑवरी वाइटेड एड एज गेल डेमोथ विल बोजर एज टॉबिन हमबोल्डट रचल विल्सन एज नतालिया हमबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हमबोल्डट तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमुथ सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता रोष से होता है, जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उसे नजर नजर ना हटाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बैगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बैगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मिर्च चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब है यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह को कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती ना करते हैं करते रहे कर ऐसे प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाश में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना न, न, नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस पोज स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हैरिसन है है गिलबर्टसन लीशा डे ओली एवरी वाइटेड विल रचल बुजार पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी ग्रेग ग्रेक व्लैक् और इसे एडिट किए माइकल कॉनरॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रोकोरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी फैंटेटिक फेस्ट और अक्टूबर 4, 2019 नाइनटीन नेटफ्लिक्स और इसका रेट टाइम नाइनटी मिनट और वन हंड्रेड एक्सटेंडेड वर्जन और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो चलिए में इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हैरिसन गिली एस्ट्रेविस एमसी कैन लीशला डे ऑलीवेरा एज बीकी डेमोथ ऑवरी वाइटेड एज एज गेल डेमोथ विल बोजर एज टॉबिन हमबोल्डट रचल विल्सन एज नतालिया हमबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हमबोल्डट तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमुथ सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बेकी का सामना टोबिन के पिता से होता है, जो उसके उसके, उसके गरीब, गरीब रहने के और उससे नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेगी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने का लिखा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणामस्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी ट्रेविश खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती ना करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना न, न, नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रॉस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे इसक्रीन पर विंसेंजो नटाली और इस बेस्ट इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओली एवरी वाइटेड विल बुजार रचल विल्सन पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ग्रेग वरब्लैक् और इसे एडिट किए माइकल कॉनरॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रोकोरवन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी नाइनटीन और इसका रिलीज डेट है, है September 22, 2019 सितम्बर ट्वेंटी अक्टूबर नेटफ्लिक और इस, इस कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो जरिए इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हेरिसन गिली बन एस्ट्रमसी लीशला डे ऑलिरा की एजबिकी डेमोथरी वाइटेड एड एज गेल डेमोथ विल बोज ए स्टॉबिनबोल्ड राचेल एज नतालिया हम्बोल्ड पैट्रिक विल्सन एज रोज हम्बोल्ड तो चलिए चलीफे इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमु सैन डियागो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता रोष से होता है जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उस निर्ज नजर ना हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार खोकर खाता है टॉबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टॉबिन केल की म, को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविश भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टोबिन से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टोबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब है यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी ट्रेविश खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती ना करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना न, 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 नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाँ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन पर विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ड हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओलिवेरिया, एवरी वाइट विल विल्सन पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दें ग्रेग व्लैक्सी और इसे एडिट किए माइकल कॉन रॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रो कॉरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितंबर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट रहा है

एजबिकी वाइटेड एज गेल डीमोथ विल बोज एसटोबिन विल्सन रचल नतालिया हम्बोल्ड पैट्रिक विल्सन एज रोज हम्बोल्ड तो चलिए फे इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई कैल केल डेमु सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है। चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता रोश से होता है जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने और उससे नरज नज़र न हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है, कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविश भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टोबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणामस्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता-पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी ट्रेविस खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेगी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह को कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहें कर ऐसे प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना न, न, नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रोस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हजार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन दिए विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओलिवेरिया एवरी वाइट विल विल्सन पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ग्रेग वर्ब्लैक्सी और इसे एडिट किया माइकल कॉन रॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रोकोरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हर्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितंबर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट है September 22, 2019, Fest, 24 19 fantastic feast October 4 2019 Netflix और इसका रन टाइम है 98 मिनट और 101 मिनट एक्सटेंडेड वर्जन और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो चलिए मैं इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हैरिसन ग्लिबर्सन एस्ट्रेविस स्ट्रेविस एमसी केना लीश ल्यूशला डे ओलिवेरा एज बी की डेमूत और एवरी वाइटेड एज गेल डेमूत विल बॉयज यर टॉबिन स्टॉबिन हंबोल्डट राचेल विल्सन एज नतालिया हंबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हंबोल्डट तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमूत सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज़ सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बेकी का सामना टोबिन के पिता रॉश से होता है जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उस निर्वज नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वह ऐसा करती है कि किल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीज़ों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेगी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेगी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेगी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे से और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। समूह कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना न, 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 नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रॉस खतरनाक है और उस दूसरों को वह यहाँ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही? इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कनेडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉनर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओलिवेरिया, एवरी वाइटेड विल बोज और रचल विल्सन, पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ग्रेग व्लैक्सी और इसे एडिट किए हैं माइकल कॉन और इसे म्यूजिक दिए मार्क्रोकोरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिले डेट है सितम्बर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट रहा है, है

एज की डेमोथ ऑवरी वाइटेड एड एज गेल डेमोथ विल बोजर एज टॉबिन हमबोल्डट रचल विल्सन एज नतालिया हमबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हमबोल्डट तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमुथ सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है। चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बैकी का सामना टोबिन के पिता होता है जो उसके उसके उससे करीब रहने और उससे नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है, है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीजों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गायब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेकी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। को कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहे कर ऐसा प्रतीत होता है कि घास बेगी हके ग्रवाशे में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नट नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न जाने की चेतावनी देती है और रोस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई को और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कनेडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट हॉलर इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस किए स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हेरिशन गिलबर्टसन लीशा डे ओलिवेरिया, एवरी वाइटेड विल बुजार रचल विल्सन, पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है ग्रेक व्लैक् और इसे एडिट किए माइकल कॉन और इसे म्यूजिक दिए मार्क्रोकोरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी और इसका रिलीज डेट रहा है सितम्बर ट्वेंटी फैंटेस्टिक फेस्ट और अक्टूबर फोर टू थाउंडीन नेटफ्लिक्स और इसका रेट टाइम नाइनटी मिनट और वन हंड्रेड एक्सटेंडेड वर्जन और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो चलिए मैं इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हैरिसन गिली एस्ट्रेविस एमसी एम सी कैना डे ऑलीवेरा एज बीकी डेमोथ ऑवरी वाइटेड एड एज गेल डेमोथ विल बोजर एज टॉबिन हमबोल्डट रचल विल्सन एज नतालिया हमबोल्डट पैट्रिक विल्सन एज रोज हमबोल्डट तो चलिए फिर इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई केलु केल डेमुथ सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बेकी का सामना टोबिन के पिता से होता है, जो उसके उसके उससे गरीब, गरीब रहने के और उससे नजर न हटाने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबिन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बैगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेकी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए कहा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेकी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता-पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी ट्रेविस खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेगी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह को कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहें ऐसे प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रोस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलैकन को प्रेस करें तो हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन द टॉल ग्रास मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये दो हज़ार उन्नीस की कैनाडियन सुपर नेचुरल हॉर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए विंसेंजो नताली और इसे स्क्रीन विंसेंजो नटाली और इसे बेस्ट इन द टॉल ग्रास बाय स्टीफन किंग एंड जो हिल और इसे प्रोड्यूस पोज स्टीव होबेन जिमी माइलर एम रिले और इसे स्टारिंग दिए हैरिसन है गिलबर्टसन लीशा डे ओली एवरी वाइटेड विल रचल बुजार पैट्रिक विल्सन और इसे सिनेमाटोग्राफी दें ग्रेग ग्रेक व्लैक् और इसे एडिट किया माइकल कॉनरॉय और इसे म्यूजिक दिए मार्क क्रोकोरवेन और इसकी प्रोडक्शन कंपनी कॉपर हार्ट इंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए नेटफ्लिक्स और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी नाइनटीन और इसका रिलीज डेट है सितम्बर ट्वेंटी फैंटेटिक फेस्ट और अक्टूबर 4, 2019 नाइनटीन नेटफ्लिक्स और इसका टाइम नाइनटी मिनट और वन हंड्रेड एक्सटैंड वर्जन और ये कनाडा में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है तो चलिए में इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं हेरिसन गिली एस्ट्रेविस एमसी कैन लीशला डे ऑलीवेरा एजबीकी डेमोथ ऑवरी वाइटेड एज एज टॉबिन डर एसटॉबिनबोल्ड राचेल एज नतालिया हम्बोल्ड पैट्रिक विल्सन एज रोज हम्बोल्ड तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में हम जान लेते हैं गर्भवती बेकी और उसका भाई कैल केल डेमु सैन डिएगो की यात्रा कर रहा है रास्ते में रुकते समय उन्हें टॉबिन नाम के एक युवा लड़के की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है जिसके साथ उसकी माँ नताली भी लंबी घास में है चिंतित होकर भाई बहन प्रवेश करते हैं लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं और पाते हैं कि उनकी दूरी अस्वाभाविक रूप से बदल जाती है वे जाने का फैसला करते हैं लेकिन रास्ता नहीं ढूंढ पाते बेकी का सामना टोबिन के पिता रोष से होता है, जो उसके उससे उसके गरीब करीब रहने के और उसे नज़र नज़र ना हटाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करती है कि केल एक मरे हुए कोवे को पकड़कर टोबीन के पार ठोकर खाता है टोबिन की का दावा है कि घास मृत चीजों को नहीं हटा पाएगी और रास्ते में पंछी को दफना देगी उसने केल को बताया कि एक चट्टान ने उसे बताया था कि बेगी जल्द ही मर जाएगी जब टोबिन केल की को मैदान में एक चट्टान के पास ले जाता है और उसे उसे छूने के लिए कहता है तो भूत उसके उस पर हमला करने से पहले वह बेगी की चीख सुनता है बैगी के बच्चे का पिता ट्रेविस भाई बहनों की तलाश में आता है वह मैदान की जांच करता है टॉबिन की से टकराता है इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे को जानते हैं और उससे बैगी की लाश के पास ले जाता है यह कहते हुए कि मैदान मृत चीज़ों का नहीं हिलाता टॉबिन अपने माता पिता के साथ पास के एक चर्च में पहुंचते हैं वह और परिवार का कुत्ता फ्रेडी ट्रेविस को घास से टॉबिन का नाम चिल्लाते हुए सुनते हैं फ्रेडी अंदर आ जाता है जिसके कारण टॉबिन नताली और रॉस उसका अनुसरण करते हैं और अलग हो जाते हैं परिवार के घबराने से बेबेगी और केल घास में फिर से प्रवेश करते हैं क्योंकि टॉबिन कहता है कि फ्रेडी की मृत्यु हो गई है ट्रेविस बेकी और केल टॉबिन की ओर बढ़ते हैं और चारों एक दूसरे को ढूंढते हैं ट्रेविस बेगी और केल को बताता है कि वे दो महीने से गैब हैं यह भी पता चला है कि ट्रेविस को मूल रूप से पिता बनने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेकी से अपने बच्चे का गर्भपात कराने का लिखा जिससे उसने इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप बेगी और केल ने अपने बच्चे के जन्म के समय उसे गोद लेने के समय रुचि रखने वाले एक परिवार से मिलने के लिए सेन डिएगो की यात्रा की क्योंकि वह अकेले माता-पिता बनने के लिए तैयार नहीं थी रेविस खेद व्यक्त करता है और अब अपने बच्चे और बेगी के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है समूह को कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई देती है बेगी को किसी का फोन आता है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे वही गलती न करते हैं करते रहें कर ऐसे प्रतीत होता है कि घास बेगी के गर्भाशय में प्रवेश करती है और वह बेहोश हो जाती है जिससे रॉस द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है जो फिर रोबिन के साथ फिर से जुड़ता है और कहता है कि वह उन्हें बाहर दिखाएगा रॉस उन्हें चट्टान की ओर ले जाता है जहां उनका सामना नेटली से होता है जो उन्हें चट्टान की ओर न छूने की चेतावनी देती है और रोस खतरनाक है और उस दूसरों को वह हाथ से चले जाने के लिए कहती है ट्रेविस ने रोस पर हमला किया इसके बाद उसका हाथ खड़ गया और नेटली का सिर कुचल गया रोस का दावा है कि चट्टान ने उसे सच्चाई और बाहर का रास्ता दिखाया लेकिन वह छोड़ना नहीं चाहता तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें